दिल्ली के मंगोलपुरी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हिंदू महिला की हत्या के बाद उसे दफना दिया गया। पुलिस ने कब्रिस्तान से महिला का शव निकाल लिया है। ये बड़ी घटना दिल्ली से है, मंगोलपुरी का ये मामला, जहां पर हिंदू महिला की हत्या होती है और उसके बाद उसके शव को दफना दिया जाता है। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी लगती है, पुलिस कब्रिस्तान से उस महिला का शव निकाल लेती है। इस महिला की हत्या क्यों की गई, क्यों इसे दफनाया गया, फिलहाल इस पर जांच जारी है। दिल्ली के मंगोलपुरी की ये सनसनीखेज वारदात, हिंदू महिला की पहले हत्या की गई, फिर उसके शव को दफना दिया गया, लेकिन कब्रिस्तान से उसके शव को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 54 साल की महिला के मर्डर के बाद सनसनी फैली है। दिल्ली के मंगोलपुरी की यह घटना, हिंदू महिला की हत्या जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है, उसे उसकी हत्या करने के बाद दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में, जिसके बाद। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुलिस इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए महिला के शव को कब्रिस्तान से निकाल लेती है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी की घटना इस वक्त आपको हम बता रहे हैं सारी डिटेल। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है वो ये है कि महिला का कत्ल किया जाता है, हिंदू महिला बताई गई, 54 साल की महिला है जिसकी हत्या कर दी गई और फिर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है और महिला के शव को निकालती है बाहर। किस लिए इस महिला की हत्या हुई, किसने की, ये अब जांच का विषय है, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। दिल्ली के मंगोलपुरी की यह घटना है। पुलिस ने कब्रिस्तान से महिला का शव निकाल लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। यह महिला कौन है, इसकी हत्या के पीछे क्या कारण है, कौन इसकी हत्या के पीछे है, ये सब अब जांच के दायरे में आता है। और पुलिस ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए सबसे पहले कब्रिस्तान से महिला के शव को निकाला और फिर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में यह वारदात हुई है, जहां 54 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब इसी को लेकर पुलिस ने महिला के शव को कब्रिस्तान से निकाला है। तो 54 साल की महिला की हत्या हुई थी, इसके पीछे क्या वजह रही ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। महिला के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाल लिया गया है, जिसे हत्या के बाद दफना दिया गया था। हिंदू महिला है और इसीलिए इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि हिंदू महिला का शव कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया, और इसी के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट चुकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में ये सनसनी वारदात सामने आई, जहां हिंदू महिला 54 साल की जिसकी उम्र है, उसे हत्या कर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तीन मुस्लिम युवकों पर महिला की हत्या का आरोप है, ये अपडेट इसमें आई है। तीन मुस्लिम युवक हैं जिन पर हत्या का आरोप लगा है और दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। लेकिन सबसे पहले महिला का शव कब्रिस्तान से निकाला गया, तीन मुस्लिम युवकों पर आरोप है। राजू राज फोन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजू राज, पूरा मामला बताइए, क्या है? देखिए, कल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, तब 54 साल की मीना नाम की एक महिला के डेड बॉडी को कब्रिस्तान से निकाला गया। और इस पूरे मामले में चूंकि मीना 2 जनवरी से मिसिंग थी, जिसकी शिकायत मंगोलपुरी थाने में की गई थी, और मीना के परिवार वालों को शक मोबिन नाम के एक लड़के पे थी कि इसने मीना के साथ कुछ गलत किया, और इसकी शिकायत पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि वो 2 जनवरी से मिसिंग थी।
तो कल जब सख्ती से पूछताछ मोमिन से की गई थी उसके बाद उसने बताया कि उन लोगों ने मियां की हत्या कर दी और इस पूरे मामले में तीन जो मुस्लिम युवक हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन हत्या करने के बाद इन लोगों ने कब्रिस्तान में मीना की लाश को दफन कर दिया था और उसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो कब्रिस्तान से मीना की लाश निकाली गई। 54 साल की महिला है। हालांकि हत्या के पीछे मोटिव क्या है कुछ देर के बाद पुलिस साफ करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों ने पहले मीना को अगवा किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, क्योंकि मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 जनवरी को ही मंगोलपुरी थाने में दर्ज करवाई गई थी। जी राजू राज, क्या ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि ये मामला आपसी रंजिश का है या फिर कुछ और मोटिव, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके मीना के यहाँ आना जाना था और किस बात को लेकर मीना की हत्या की गई, फिलहाल इसका खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन मीना 2 जनवरी से ही मिसिंग थी, जिसकी शिकायत पुलिस ने मंगोलपुरी थाने में दी परिवार वालों ने, और परिवार वालों को मोबिन पर शक था और मुशक के आधार पर पुलिस ने पहले मोबिन को हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की गई और उसके निशानदेही पर पहले मीना की डेड बॉडी का कब्रिस्तान से निकाली गई और उसके बाद उससे पूछताछ के बाद इन मुस्लिम लड़कों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ देर के बाद पुलिस से लगातार हम संपर्क में कोशिश कर रहे हैं कि इस हत्या के पीछे क्या आपसी रंजिश का मामला है या फिर किसी और अपराध को छुपाने के लिए मीना की हत्या कर उसके शव को दफन कर दिया गया। तमाम बातों को लेकर लगातार पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, और पुलिस इस मामले में क्या कह रही है राजू राज, पुलिस का जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, पुलिस का कहना है कि इस हर एंगल से वो जांच कर रहे थे। जब से 2 जनवरी से ही मीना मिसिंग थी तो वो मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कर चुके, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो किडनैपिंग में मामला दर्ज हो जाता है, क्योंकि मिसिंग के बाद अगर 24 घंटे तक कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो अपहरण में केस दर्ज हो जाता है और उसी के तहत पुलिस जांच कर रही थी। चूंकि परिवार वाले लगातार मोबिन नाम के एक युवक पर शक जता रहे थे, उस शक के आधार पर पुलिस ने पहले उसे ट्रैक किया, जब मीना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी तो मोमिन को डिटेन किया गया, हिरासत में लेकर उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने 54 साल की जो महिला मीना की उसकी हत्या कर दी है और हत्या में उसके 2 और साथी शामिल थे, हत्या कर उसने शव को दफन कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने कल देर शाम सबको कब्रिस्तान से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी कुछ तस्वीरें हत्याकांड से सामने आ सकती है कि कहीं मीना के साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया और उसी गलती को छुपाने के लिए मीना की हत्या की गई। तमाम बातों को लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ देर के बाद निश्चित तौर पर तस्वीर साफ हो गई कि हत्या के पीछे आरोपियों का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, किन मकसद के पीछे की आपसी रंजिश का मामला है या फिर किसी गलत काम को अंजाम दिया गया, तमाम बातों को लेकर फिलहाल अभी पुलिस चुप्पी साधे हुए। ठीक है राजू राज, धन्यवाद आपका सारी डिटेल्स के लिए, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 3 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया है, शक के आधार पर उन्होंने ये सच बताया कि कैसे महिला के शव को कब्रिस्तान में हत्या करने के बाद छिपा दिया गया। अब इसके पीछे मोटिव क्या था ये जांच का विषय है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।